आप सभी को पता है कि नवरात्र चल रहा है, तो मैंने इस नवरात्रि पे बनाया है सिर्फ दो मुट्ठी चावल से बहुत सारे लोगों के लिए खीर, जो कि 20 से 25 लोगों के लिए इनफ है। ये एकदम रबड़ीदार मलाई खीर है, जो कि नॉर्मल और रेगुलर खीर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो आज मैं आपके साथ इसी की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसकी रेसिपी जो है बहुत ज़्यादा ईजी है। तो आप इस रेसिपी को जरूर इस नवरात्र में बना करके माता रानी को भोग लगा करके प्रसाद के रूप में सर्व करें। तो चलिए आज इसकी रेसिपी देती हूँ, और रेसिपी देखने के बाद जरूर से अपने घर में ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो छोटे वाले चावल होते हैं, जिसे कि अरवा चावल कहते हैं, ये बॉइल्ड वाले राइस नहीं होते हैं। और इस चावल को आपको लेना है, जो कि जल्दी ही उबल जाता है, मतलब जल्दी से इसका खीर बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आपको मोटे राइस, यानी जैसे कि बासमती राइस वगैरह होते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। चावल को अच्छे से 2-3 पानी धो लेंगे, ताकि इसका पानी एकदम साफ़ हो जाए। और देख सकते हैं मैंने चावल को एकदम फ्रेश तरीके से धो लिया है। और यहाँ पर जो चावल मैंने लिया है, 2 मुट्ठी जितना ही है। और साथ ही आपको क्या करना है, उसे भिगो करके छोड़ देना है। साथ ही 7 से 8 जो भी है काजू लिया है मैंने, इसे भी भिगो करके छोड़ दूंगी आधा घंटे के लिए। भिगाने से जो खीर है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनता है। इसके साथ ही साथ बहुत जल्दी उबलता है, मतलब बिल्कुल भी लेट नहीं होगा। यहाँ पर मैंने लिया है एक मोटे तले की कढ़ाई। तो कोशिश करिएगा कि इस खीर को बनाने के लिए आपको मोटे तले की कढ़ाई लेना है। तो यहाँ पर मैं 3 लीटर के करीब दूध ऐड कर दूंगी, जो कि क्या हुआ था, जो मेरी कढ़ाई है छोटी पड़ गई थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ऊपर तक भरा हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से स्टर करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी आ रही थी, पर कोई नहीं, खीर बन गया था। और ये देख सकते हैं मैंने हाई फ्लेम कर दिया है, और यहाँ पर जो दूध में है अच्छे तरीके से उबाल आ गया है। और ये जो दूध है पहले से ही मैंने गर्म कर लिया था, और ये चावल है आधा घंटा के करीब हो गया है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसका पानी निकाल करके और यहाँ पर आपको दूध में डाल देना है। तो मेरी दूसरी वीडियो आने से पहले इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कर लीजिएगा। मैंने चावल उबलते हुए दूध में डाला है, साथ ही केसर अगर आपके पास है तो डाल दीजिए। इस तरीके से केसर डालने से कलर अच्छा आता है, मैंने मिक्स कर दिया है। साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू, किशमिश, बादाम और नारियल मैंने डाला है। आप चाहे तो इसे हल्का घी में रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। आप कोशिश करिएगा कि जब आप चावल डालें तभी डालिएगा, इसे ड्राई फ्रूट्स ना काफ़ी ज़्यादा एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ चावल और बचा करके रखे हुए थे, भीगे हुए चावल हैं, और साथ ही ये काजू। इसका क्या करना है, आपको एकदम फाइन सा पेस्ट तैयार करना है, देखिए बिल्कुल इस तरीके का, और यहाँ पर खीर में ही मिक्स कर दीजिए। एकदम इतना परफेक्ट खीर बनता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। एक बार मेरे कहने पर इस खीर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये खीर ना नॉर्मल जो खीर होती है उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है, और इसका जो टेस्ट है ना पूछिए ही मत, बहुत ही ज़्यादा गजब की आती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चावल बहुत ही जल्दी उबल गया है, मतलब सीन्स क्या है आप देख सकते हैं, अगर नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो। ये देखिए दूध की क्वांटिटी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है अभी, और चावल अच्छे से उबल गया है, तो इसलिए भिगोना ज़रूरी है चावल को। साथ ही यहाँ पर मैं 1/3 कप चीनी ऐड करूँगी, और इलायची का पाउडर है जो कि मैंने घर पर ही तैयार किया है। आप चाहे तो इसकी जगह फ्रेश कूटी हुई इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बहुत कम मीठा बनाने का कोशिश करी हूँ, क्योंकि दूध वैसे भी गाढ़ा होगा तो इसमें मिठास ऑलरेडी आएगी, और ये खीर जो है थोड़ी कम मीठी ही अच्छी लगती है। अगर आपको ज़्यादा मीठी खीर पसंद है तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चीनी को एडजस्ट कर सकते हो। और इस तरीके से दूध की क्वांटिटी कुछ कम हुई तो मुझे चलाने में उतनी दिक्कत नहीं आ रही है। और इसे आपको हाई फ्लेम पर बनाना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि मिक्स करते रहिएगा, वरना होगा क्या कि तले पे चिपकने लगते हैं। जब भी आप खीर वगैरह बनाए तो उसे कंटिन्यू बीच बीच में छोड़ करके चलाते रहे, और देख सकते हैं खीर जो काफ़ी हद तक गाढ़ी होने लगी है और बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी की होने लगी है। तो बिल्कुल इसे और पकाएंगे, थोड़ा और गाढ़ा करना है आपको। अभी भी चावल के दाने दिख रहे हैं, तो ऐसे दिखने नहीं चाहिए, एकदम मिक्स हो जाना चाहिए दूध के साथ। तो बिल्कुल इसे और पकाऊंगी, और ये देख सकते हैं फाइनली जिस स्टेज का इंतज़ार था
वो एकदम मतलब आ गया है, और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट चावल दूध एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। और कोई भी यकीन नहीं करेगा कि सिर्फ ये 2 मुट्ठी चावल से मैंने इतना सारा खीर बना करके तैयार किया है। आपको भी नहीं हो रहा होगा, और सच्ची बता रही हूँ, आपने इस खीर की रेसिपी को कभी भी ट्राई किया होगा तो आपको इसका टेस्ट पता होगा, और नहीं किया होगा तो जल्दी से बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे काफ़ी पसंद है। पर्सनली अगर बोलूँगी तो ये खीर मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि नॉर्मल जो खीर होती है उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसका आता है, थोड़ा डिफरेंट आता है। तो ज़रूर से ट्राई करिए इस रेसिपी को, आप नवरात्रि में ट्राई कर सकते हैं, कन्या पूजन के लिए भी ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ आपको जब भी घर पर खाने का मन करे तो वो तो आप कर ही सकते हो। खीर यहाँ पर बन गई थी, मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है, और खीर जो है एकदम गाढ़ी हो गई है, जैसे कि एकदम रबड़ी होती है ना, बिल्कुल उस तरीके की। तो मैंने तो जिस जिस को भी ये खीर खिलाई उसने तो मेरी इतनी ही तारीफ की कि मैं आपको क्या ही बताऊं, तारीफ कभी भी बयान नहीं कर सकती हूँ। और ये देख सकते हो खीर कितना गजब का बना है। आई एम 100% श्योर कि आपने इस खीर की रेसिपी को कभी ट्राई नहीं किया होगा, तो आप भी इस खीर की रेसिपी को टेस्ट करके देखिए। और मैं आपको इसलिए बार बार इतना बोल रही हूँ ना, क्योंकि खीर सचमुच में बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, और देखिए कितना मस्त एकदम क्रीमी मलाईदार एकदम गाढ़ी रबड़ीदार खीर बनकर तैयार है। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। बाय बाय।